प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव जो सेंटेंस का जो नेगेटिव पार्ट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, उसको हम करेंगे। तो बच्चों, जो हमारा साधारण या सिंपल जो टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो हम कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। अगर आप वो देखना चाहें तो उस लिंक की सहायता से आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव पार्ट की, जिसके अंदर ना या नहीं वाले वाक्य दिए होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या बनेगा बच्चों? स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद या तो डू नॉट होगा या फिर डज नॉट। ये सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट डू नॉट का है तो उसके साथ डू नॉट, अगर वो डज नॉट का है तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा और उसके साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब नीचे बात करते हैं कि डू नॉट किसके साथ आएगा। जिस वाक्य में अगर हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है, प्लूरल का मतलब जैसे कुत्ते, गधे, लड़के, लड़कियां, ऐसा है, प्लूरल है, तो उनके सब के साथ क्या आएगा? डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। और डज नॉट जहां पे एक का आभास होता है, जैसे वह, ही, सी, इट, कोई भी नाम है नाम में, जैसे राम, श्याम, गीता, या सिंगुलर है जो एक है, जैसे चिड़िया, मोर, पक, कबूतर, लड़का, लड़की आदि। तो जहाँ पे सिंगुलर का आभास होता है वहाँ पे हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे एक से ज़्यादा का आभास होता है आई को छोड़कर उसमें हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नीचे मैंने कुछ वाक्य लिए हुए हैं, इनको हम नेगेटिव सेंस में बनाते हैं। तो देखिए, जो पहला हमारा जो वाक्य है वो है मैं खाना नहीं खाता। तो बच्चों, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। अब देखिए, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आ चुका है, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। तो मैंने पहले बताया डू नॉट और डज नॉट किस पर निर्भर करता है? सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होता है? डू नॉट का। तो आई डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? क्रिया क्या है? खाना नहीं खाता। तो जो खाता है ये क्या है? वर्ब है, क्रिया है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईट। आई डू नॉट ईट, और खाना, ये खाना वो है जो हम अपनी प्लेट में लेते हैं, तो द फूड। आई डू नॉट ईट द फूड, आई डू नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट है वह बाजार नहीं जाता। तो यहाँ पे जाता है, इसका मतलब वह क्या है? लड़का है। वह बाजार नहीं जाता, और लड़के के लिए किसका प्रयोग होता है? ही। अगर यहाँ पे होता वह बाजार नहीं जाती तो लड़की होती, तो हम किसका प्रयोग करते? सी। तो वह बाजार नहीं जाता, तो ये लड़का है, तो लड़के के लिए ही, और उसके बाद में किसका प्रयोग होगा? डू नॉट या फिर डज नॉट। तो डज नॉट या डू नॉट, अब ही के साथ किसका प्रयोग होता है? डज नॉट का। ही डज नॉट जाना, वर्ब क्या है इसमें? जाना, जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। ही डज नॉट गो, और जो गो की तीनों फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन, इसके साथ टू का प्रयोग होता है। ही डज नॉट गो टू मार्केट या बाजार। ही डज नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट है
वे फुटबॉल नहीं खेलते, वे फुटबॉल नहीं खेलते, तो वे की इंग्लिश क्या होती है, दे, दे, और दे के साथ किसका प्रयोग होगा, क्योंकि वे क्या है, एक से ज्यादा का आभास करा रहा है, तो इसका मतलब डू नॉट, दे डू नॉट, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले, दे डू नॉट प्ले द फुटबॉल, दे डू नॉट प्ले द फुटबॉल। नेक्स्ट, हम पुस्तक नहीं पढ़ते, हम की इंग्लिश क्या होती है बच्चों, हम की इंग्लिश है वी, हम वी, और वी एक से ज्यादा का आभास करा रहा है, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म में है, तो प्लूरल फॉर्म के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। वी डू नॉट, यहां पे क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, वी डू नॉट रीड द बुक, वी डू नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट, तुम पत्थर नहीं लिखते, तुम पत्थर नहीं लिखते, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, यू के साथ डू नॉट, यू डू नॉट, लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, राइट, यू डू नॉट राइट द लेटर, पत्र क्या होता है, लेटर, यू डू नॉट राइट द लेटर। नेक्स्ट वन इज, वह कपड़े नहीं धोती, वह कपड़े नहीं धोती, तो वह यहां पे धोती, इसका मतलब क्या है, लड़की है, लड़की के लिए वह में क्या आएगा, सी, 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 लड़की, इसका मतलब ये एकवचन है, एकवचन के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। शी डज नॉट, यहां पे क्रिया क्या है, धोना, धोने की इंग्लिश क्या होती है, वॉश, शी डज नॉट वॉश द कपड़े, कपड़े क्या होता है, क्लोथ, शी डज नॉट वॉश द क्लोथिस, वह कपड़े नहीं धोती। लास्ट वन इज, लास्ट में क्या है, राम प्रसन्न याद नहीं करता, राम प्रसन्न याद नहीं करता, तो राम क्या है, नाम है और एकवचन है, सिंगुलर है, तो एकवचन के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। राम डज नॉट, इसमें वर्ब क्या है, करना, याद करना, राम प्रसन्न याद नहीं करता, तो इसमें वर्ब या क्रिया क्या है, याद करना, याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, राम डज नॉट लर्न प्रसन्न, प्रसन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वेश्चन, राम डज नॉट लर्न द क्वेश्चन। तो बच्चों, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट किया, तो एक बार हम दोबारा दोहरा लेते हैं इसको, क्या है, सबसे पहले इसमें किसका प्रयोग होता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। डू नॉट किसके साथ प्रयोग होगा, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। डज नॉट का ही सी इट, कोई नाम या सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। मैं खाना नहीं खाता, तो यहाँ पे सिंगुलर है मैं, परंतु सिंगुलर होते हुए भी मैं आई के साथ किसका प्रयोग होता है, डू नॉट, आई डू नॉट ईट द फूड। नेक्स्ट वन इज,
वह बाजार नहीं जाता तो वह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही के साथ डज नॉट का प्रयोग होगा। ही डज नॉट गो टू मार्केट। वे फुटबॉल नहीं खेलते, वे फुटबॉल नहीं खेलते। वे यानी दे, और दे क्या है, प्लूरल फॉर्म में होता है, तो दे डू नॉट प्ले द फुटबॉल। हम पुस्तक नहीं पढ़ते, हम इंग्लिश में वी और वी क्या है, प्लूरल में आता है, तो इसलिए डू नॉट। वी डू नॉट रीड द बुक। नेक्स्ट वन इज, तुम पत्र नहीं लिखते, यू डू नॉट राइट द लेटर। वह कपड़े नहीं धोती, वह कपड़े नहीं धोती, सी डज नॉट वॉश द क्लोथिस। राम प्रश्न याद नहीं करता, राम डज नॉट लर्न द क्वेश्चन। तो बच्चों, आज हमने किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव पार्ट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक, बाय बाय।